प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 14, परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, समझते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 14, परिमाप एवं क्षेत्रफल। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले आप परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में जान लीजिए। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति होती है उसके चारों ओर का एक पूरा चक्कर, उसका परिमाप होता है। और क्षेत्रफल होता है कोई भी आकृति किसी स्थान पे कितनी जगह घेरती है, वह होता है उसका क्षेत्रफल। तो परिमाप चारों ओर का माप, क्षेत्रफल कोई भी आकृति कितना स्थान घेरती है वह होता है उसका क्षेत्रफल। तो चलिए, पहला सवाल आपके परिमाप वाला है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये तीन आकृति दे रखी है, हमें तीनों आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। अ वाली आकृति है, ये आकृति आपको दिख रही होगी, इसकी लंबाई देखिए, यहां से यहां तक 9 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी। तो यानी आपको यहां से यदि शुरू कर रहे हो तो आपको पूरा चक्कर लगाते हुए यहां तक पहुंचना है। यहां से शुरू कर रहे हो तो वापस यहां तक आना, मतलब परिमाप स होता है किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर पूरा करना। तो देखिए, हम इसका परिमाप ज्ञात करते हैं, अ वाली आकृति का परिमाप। अब आपको क्या करना है, क्रमशः भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है। यहां से शुरू करें, 9 सेमी प्लस 7 सेमी प्लस 7 सेमी प्लस 8 सेमी प्लस 10 सेमी प्लस 7 सेमी प्लस 10 सेमी और प्लस 7 सेमी, पूरा चक्र हो गया। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें इस आकृति का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम जोड़ते हैं, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 में 7 जोड़ना है कितना हो जाएगा 23, 23 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 31, 31 में हम जोड़ेंगे 10 कितना हो जाएगा 41, 41 में जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 48, 48 में जोड़ेंगे हम 10 कितना हो जाएगा 58, 58 में जोड़ेंगे 7 कितना होगा 65, कितना आया 65। और ये जो इकाई किसमें लिखी हुई है, सेमी में, यहां लिखेंगे सेमी। इस आकृति का परिमाप कितना आया 65 सेमी। ये हो जाएगा हमारे इस पहले वाले का आंसर, अ का आंसर। अब हम ब वाली आकृति लेते हैं, इसमें भी आपको यही करना है। इसका पहले मैं यह लिख देता हूं परिमाप। अब आप यहां से शुरू कर रहे हो तो वापस आपको यही आना है, यहां से शुरू कर रहे हो तो आपको वापस यहां आना है। चलिए हम यहां से शुरू कर लेते हैं, यहां से यहां तक कितना है 10 सेमी, यहां से यहां 5, 5 सेमी, फिर यहां से यहां 4 सेमी, यहां से यहां 5 सेमी, यहां से यहां 5 सेमी, यहां से यहां 4 सेमी और यहां से यहां 5 सेमी। हो गया पूरा एक चक्कर, अब इनको आपको जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 33, 33 में 5 जोड़ेंगे 38, तो यहां कितना आ गया 38। और ये इकाई भी सेमी में दे रखी है तो यहां लिखेंगे हम सेमी। इस आकृति का परिमाप कितना प्राप्त हुआ 38 सेमी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ब का आंसर, ब वाली आकृति है, इसका परिमाप आया 38 सेमी। अब हम आगे बढ़ते हैं, स वाली आकृति है, इसका भी परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम यहां परिमाप,
अब यहां देखिए, यहां से शुरू करेंगे, सात सेमी सात सेमी सात सेमी सात सेमी, तो जोड़ लेंगे हम सात प्लस सात प्लस सात प्लस सात, सात में सात जोड़ा 14, 14 में सात जोड़ा 21, 21 में सात जोड़ा 28, 28, और ये भी सेमी में दिया हुआ है, यहां लिखेंगे सेमी, 28 सेमी। इस स वाली आकृति का परिमाप आ गया, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यानी तीनों जो चित्र दे रखे थे हमने इनका परिमाप ज्ञात किया। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर पहला, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर दो, निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये अ ब स द चार सवाल इसमें दिए हुए हैं। अब ये आयताकार आकृति है, हमें आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए आयताकार आकृति कैसी होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की हो, जितनी ये लंबाई है उतनी लंबाई ये भी होगी, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। इस प्रकार का चतुर्भुज आयत कहलाता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हम भुजाओं की बात करेंगे परिमाप के लिए, तब आपको ध्यान रखना है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी जितनी लंबाई की भुजा ये होगी उतनी लंबाई की भुजा ये होगी, जितनी लंबाई की भुजा ये वाली होगी उतनी ही ये वाली होगी, यानी समान माप की भुजाएं दो बार जुड़ रही है, जितनी ये उतनी ये, जितनी ये उतनी ये। तो हम ये करें, अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ लें, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें और उसका डबल कर लें तो चारों भुजाएं हो जाएगी, ये होता है आयत का परिमाप। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, हल कर लेते हैं, हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। चारों सवाल में यहां पार्टिसिपेशन कर लेता हूं। वाला सवाल समझते हैं, लंबाई 30 सेमी चौड़ाई 48 सेमी, हम यह लिखेंगे आयत का परिमाप। बराबर दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां आपको लंबाई चौड़ाई को पहले जोड़ना है फिर उसका दो से गुणा करना है। दो से गुणा करेंगे, लंबाई कितनी है 30 सेमी, चौड़ाई है 48 सेमी, पहले दोनों को जोड़ना है फिर दो से गुणा करना है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 48, और उसका गुणा कैसे करना है दो से, पहले ये जोड़ना है, ध्यान रखना है बहुत सारे गुणा पहले कर लेते हैं तो गलत हो जाता है, तो आपको जोड़ना पहले है। 30 में 48 जोड़ो कितना होगा, 40 और 30 70 और 8 78, अब दो का गुणा 78 से करना है, दो का 8 से करेंगे, दो अठा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, दो सते 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15, कितना आया 156। ये किसमें दिया हुआ है, सेमी में, यहां लिख देंगे सेमी, यानी इस आयताकार आकृति का परिमाप आया 156 सेमी, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा इसको भी हल कर लेते हैं, आयत का परिमाप। बराबर दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो का गुणा करना है, लंबाई चौड़े को जोड़ना है, लंबाई है 20 सेमी चौड़ाई है 34 सेमी, 20 और 34 को पहले जोड़ेंगे फिर दो से गुणा करेंगे, 20 और 34 को जोड़ेंगे, 20 और 30 50 और 4 54, 54 का गुणा दो से करेंगे, दो का गुणा चार से करेंगे, दो चौका 8, दो का पांच से करेंगे, दो पंजे 10, कितना आया 108, ये सेमी में दिया हुआ है यहां लिखेंगे 108 सेमी, इसका परिमाप 108 सेमी आया, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स वाला, 60 सेमी लंबाई चौड़ाई है 20 सेमी, इसका भी हम हल कर लेते हैं आयत का परिमाप। बराबर दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो का गुणा करना है, लंबाई चौड़े को जोड़ना है, लंबाई है 60 सेमी चौड़ाई है 20 सेमी, पहले लंबाई चौड़े जोड़ेंगे फिर उसका गुणा दो से करेंगे, दो गुणा 60 में 20 जोड़ेंगे
कितना होगा 80, 80 का गुणा 2 से कर लेंगे तो यहाँ 2 8 16 और 1 0 लगा देंगे 160। 21 सेमी में दी हुई है तो यहाँ सेमी लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया। अगला है द, लंबाई 30 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, इसका भी हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे हम आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का गुणा लंबाई चौड़ाई को जोड़ के करेंगे। लंबाई है 30 सेमी, चौड़ाई है 12 सेमी। पहले ये जोड़ेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, 30 में 12 जोड़ेंगे, 30 और 10 40 और 2 42, 2 का गुणा 42 से करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का 4 से करेंगे, 2 चौका 8, कितना आया 84 सेमी। इस आकृति का परिमाप आया 84 सेमी। यह हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। यानी आपको आयत का परिमाप इस सूत्र के माध्यम से निकालना है। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को पहले जोड़ना है और उसके बाद 2 से गुणा करना है। यह था सवाल नंबर 2। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ये जो 3 आकृति 4 आकृति दे रखी है इन आकृतियों का परिमाप हमें सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है। अ है, देखिए 14 सेमी 14 सेमी 14 सेमी, एक त्रिभुज बना हुआ है, 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर माप की है, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। हल करते हैं और इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों बराबर माप की है तो यहां इसका सूत्र बन जाएगा 3 गुणा भुजा। 3 गुणा भुजा, 3 का गुणा किससे करना है, भुजा 14 सेमी की है तो 3 का गुणा हमें 14 से करना है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। 14 का गुणा 3 से करेंगे, 14 * 3 = 42 और सेमी है तो यहां सेमी लिख देंगे। इस आकृति का परिमाप आया 42 सेमी और यह हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ब है, इसमें देखिए ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी, चारों भुजाएं बराबर माप की हैं तो इसका भी हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे परिमाप, इसमें 4 भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर माप की हैं तो 4 गुणा भुजा इसका सूत्र बन जाएगा। 4 का गुणा भुजा से करेंगे, भुजा है 6 सेमी तो 6 चौका 24, 24 सेमी इस आकृति का परिमाप हो जाएगा और यह हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। अगला है स, इसमें 6 भुजाएं हैं और 6 6 सेमी की है, प्रत्येक भुजा 6 6 सेमी की है और उसमें कुल भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं बराबर माप की हैं, तब हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। हम इसका हल करते हैं, परिमाप 6 * भुजा, क्योंकि 6 भुजाएं हैं और 6 भुजा बराबर माप की है, सूत्र बन जाएगा 6 * भुजा, 6 का गुणा भुजा है 6 सेमी की, 6 से गुणा करेंगे, 6 * 36 सेमी इसका परिमाप आ जाएगा और ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। अगला है द, इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं और 5ों भुजाएं समान माप की है, 9 9 सेमी की, हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। हल कर लेते हैं परिमाप, इसमें 5 भुजाएं हैं, 5ों बराबर माप की है, सूत्र बनेगा 5 * भुजा, 5 का गुणा भुजा, भुजा 9 सेमी की है तो 9 से गुणा करेंगे, 9 * 5 = 45, 45 सेमी ये इसका परिमाप हो जाएगा और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि समान माप की भुजाएं हो तो हम उसका सूत्र बना करके भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, विजय ने एक आयत बनाया है, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल समान हो जाए। ये देखिए उसने एक आयत बनाया है, लंबाई है 5 सेमी, चौड़ाई है 3 सेमी, लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी, ये एक
आयत बना रखा है, हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हम इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आयत का परिमाप, चलिए हल लिख देते हैं, आयत का परिमाप सूत्र आपको पता है, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो का गुणा लंबाई चौड़े को जोड़ के करेंगे। लंबाई है 5 सेमी, चौड़ाई है 3 सेमी, तो 5 प्लस 3, पहले ये जोड़ेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, 5 और 3 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दुनी 16 सेमी, ये इसका परिमाप प्राप्त हुआ। अब हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, हम आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है। लंबाई है 5 सेमी, चौड़ाई है 3 सेमी, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 किया 15, और क्षेत्रफल जहां पे भी ज्ञात करें वह वर्ग में आता है, हम यहां लिखेंगे वर्ग सेमी, 15 वर्ग सेमी। तो हमने इसका परिमाप भी ज्ञात कर लिया 16 सेमी, क्षेत्रफल आया 15 वर्ग सेमी इस आयत का। अब यह कह रहा है क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल समान हो जाए। लंबाई व चौड़ाई दोनों का बढ़ना जरूरी नहीं है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ना जरूरी नहीं है। आप ऐसा काम करें इसमें कि आप घटा बढ़ा सकते हैं जिसमें परिमाप और क्षेत्रफल दोनों समान आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई को कम कर देंगे, लंबाई को कम कर देंगे, चौड़ाई बढ़ा देंगे। अगर हम लंबाई 1 सेमी कम कर देते हैं तो जो नया बनेगा वह यहां तक आएगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेमी बढ़ा देते हैं। ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब ये कितना कितना हो जाएगा, 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी। तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो 16 सेमी आ जाएगा, और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वह भी 16 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब हम लंबाई और चौड़ाई, अब हमने घटा बढ़ा दी, हमने क्या किया, लंबाई को कम किया, चौड़ाई को बढ़ाया। अब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने कम की, पहले कितनी थी 5 सेमी थी, 1 सेमी कम कर दी तो कितनी आ गई, 4 सेमी लंबाई हो गई। चौड़ाई को क्या करना है, चौड़ाई बढ़ानी है, पहले थी 3 सेमी, हमने 1 सेमी बढ़ा दी, 3 प्लस 1 बराबर 4 सेमी। अब लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई भी 4 सेमी, अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कितना आएगा, पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम परिमाप ज्ञात करते हैं, क्या होगा, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, या अब देखिए लंबाई और चौड़ाई समान है तो हम 4 गुना लंबाई कर सकते हैं, लंबाई अब चौड़ाई समान हो गई, या हम ऐसे लिख देते हैं, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का गुणा लंबाई चौड़े को जोड़ के करना, लंबाई भी 4 चौड़ाई भी 4, 2 का गुणा करना है हमें 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दुनी 16 सेमी, ये इसका परिमाप आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई भी अब 4 सेमी, 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16, और क्षेत्रफल जहां पे भी हो वहां वर्ग लिखना है, वर्ग सेमी, जो भी इकाई हो उसके आगे हमें वर्ग लिखना है, तो 16 वर्ग सेमी, दोनों समान आ गई। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो पूछा वह हमारा आंसर ये था, और आपने जो घटाया बढ़ाया समान लाने के लिए तो उसका आंसर हमने ये वाला प्राप्त किया। आगे विद्यार्थियों समझ में, यह था सवाल नंबर 4, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए विद्यार्थी, हम इसे हल कर लेते हैं। आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर। हम लिख सकते हैं आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर 30 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब आयताकार जो मैदान यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या आयत का क्षेत्रफल होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लिखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 25 मीटर गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। 25 का गुणा 30 से करेंगे, 25 का गुणा 30 से करेंगे, 25 से 75 और एक जीरो लगा देंगे, 75 के पीछे जीरो लगा देंगे, 750। अब ये मीटर में दे रखा है और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के आगे क्या लगता है? यहां इकाई जो भी हो उसके आगे वर्ग लिखते हैं और मीटर। इकाई मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, 750 वर्ग मीटर। क्या आया इसका क्षेत्रफल? ये हमारे इस सवाल का हो गया आंसर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आया? 750 वर्ग मीटर। यह था सवाल नंबर 5। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6। एक आयताकार टावेल की लंबाई 125 सेमी एवं चौड़ाई 60 सेमी है, इस टावेल का परिमाप कितना होगा? चलिए हम हल कर लेते हैं। आयताकार टावेल है, उसकी लंबाई है 125 सेमी, चौड़ाई है 60 सेमी, हमें उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हम आयताकार टावेल की लंबाई, आयताकार टावेल की लंबाई कितनी है? 125 सेमी और चौड़ाई कितनी है? 60 सेमी। अब हमें उसका परिमाप ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे आयताकार टावेल का परिमाप। अब आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का गुणा लंबाई चौड़ाई को जोड़ के करना है। लंबाई है 125 सेमी, चौड़ाई है 60 सेमी, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे। 125 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 का 5, 2 में 6 जोड़ेंगे, 8 और ये 1 कितना आया? 185। 2 का गुणा हमें 185 से करना है, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अटा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना है? 370 परिमाप ही है। क्या लिखेंगे हम? किसमें है सेमी, तो यहां सेमी लिखेंगे। आयताकार टावेल का परिमाप कितना प्राप्त हुआ? 370 सेमी। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? ये था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कंटीले तारों का एक घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। हम इसे हल कर लेते हैं। वर्गाकार खेत है, उसके चारों ओर कंटीला तार का एक घेरा लगाया, तो कितना? 260 मीटर लंबे तार की आवश्यकता हुई, यानी उस खेत का परिमाप कितना हो गया? 260 मीटर। हमें खेत की भुजा ज्ञात करनी है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। हल कर लेते हैं। वर्गाकार खेत का
परिमाप, परिमाप कितना होगा? तारों का एक घेरा ही लगाया और किसी भी आकृति के एक चक्कर लगा दे तो वो उसका परिमाप होता है। परिमाप कितना हो गया? 260 मीटर। अब हमें वर्गाकार खेद की भुजा ज्ञात करनी है। वर्गाकार खेद की भुजा, भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना है? वर्ग में चार भुजाएं होती है, चारों भुजाएं बराबर माप की होती है, तो उसके परिमाप में चार का भाग देना है तो उसकी भुजा आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं परिमाप या वर्ग का परिमाप बटा चार। वर्गाकार खेद का परिमाप बटा चार, तो हमें चार का भाग देना है। परिमाप है 260, इसमें भाग देना है चार का। चार छंग 24, बचा दो, जीरो उतारा 20, चारों पंजे 20, कितना आया? 65। भुजा कितनी आई? 65 मीटर। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। समझ में आ गया? वर्गाकार खेद की भुजा कितनी आई? 65 मीटर। यह था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8। एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार जो फर्श है कमरे का, उसमें दरी बिछी हुई पूरी, उस दरी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी आप इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। कमरे का फर्श कैसा होगा? कमरे के फर्श की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 7 मीटर। अब हमें जो दरी बिछी हुई है उस फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है, हमें दरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम ज्ञात करेंगे दरी का क्षेत्रफल, जो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। फर्श कैसा होगा? आयताकार। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई है 7 मीटर। 8 का 7 से गुणा करेंगे, 8 × 7 = 56। और क्षेत्रफल है तो यहां इकाई से पहले क्या लिखेंगे? वर्ग। मीटर है तो यहां मीटर लिख देंगे। 56 वर्ग मीटर दरी का क्षेत्रफल होगा। यह हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? यह था सवाल नंबर 8। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 9। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। हल कर लेते हैं हम इसे। वर्गाकार चौकी की भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सेमी भी लिखते हैं। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे वर्गाकार चौकी का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर माप की होती है तो 4 × भुजा वर्ग का परिमाप होता है। 4 का गुणा भुजा से करेंगे, भुजा है 60 सेमी, 60 से गुणा करेंगे, 4 × 24 और जीरो लगा देंगे, कितना है? 240 सेमी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि वर्गाकार चौकी का परिमाप कितना है? 240 सेमी। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 10। एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्गाकार खेत है, उसके 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा। परिमाप क्या होता है? 1 चक्कर।
यहाँ दो चक्कर है तो उसका परिमाप ज्ञात करेंगे, तो इसका दो का भाग देंगे तो उसका पहले परिमाप ज्ञात करेंगे, हल कर लेते हैं। वर्गाकार खेत का परिमाप, अब उसे दो चक्कर लगाने में 40 मीटर चलना पड़ा, एक चक्कर लगाने के लिए उसमें दो का भाग दे देंगे, एक चक्कर कितना होगा 20 मीटर, यानी वर्गाकार खेत का परिमाप कितना आया 20 मीटर, क्योंकि एक पूरा चक्कर उसका परिमाप होता है। अब दो चक्कर लगाए 40 मीटर, 20 20 मीटर के दो चक्कर हो जाएंगे 40 मीटर, तो यानी एक चक्कर कितने का होगा 20 मीटर का, यानी वर्गाकार खेत का परिमाप कितना होगा 20 मीटर। अब हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी है, ज्ञात कर लेते हैं। वर्गाकार खेत की भुजा जो उसका परिमाप होता है उसमें चार का भाग देते हैं, वर्गाकार खेत का परिमाप बटा चार, परिमाप कितना है 20 मीटर, उसमें भाग देंगे चार का, चारों पंजा 20 कितना है 5 मीटर, उस खेत की भुजा कितनी आई 5 मीटर, यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी आई 5 मीटर। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 10। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल में जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 14 उसके 1 से लगा करके 10 तक जो सवाल थे, सारे सवालों को हमने आज की क्लास में समझा। तो विद्यार्थियों आप भी इन सवालों को समझ करके हल कीजिए और आप गणित में अधिकतम प्रयास कीजिए, अधिकतम अभ्यास कीजिए, समझ के अभ्यास करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे गणित में हम उतना ही बेहतर ढंग से गणित को समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।